वेलकम गाइस, आईटीएल पर वीडियो में ओप्पो का फ़ोन, इसके अंदर आपको जो है प्ले स्टोर आपका जो है हाइड हो गया है, आपको सर्च करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कैसे उसको शो करेंगे अपने डिस्प्ले पे, ये मैं बता देता हूँ। अभी देखें, यहाँ पे मैं गूगल प्ले स्टोर देख रहा हूँ, तो प्ले स्टोर यहाँ पर है नहीं। ये देखें, प्ले स्टोर शो नहीं हो रहा इधर, या कहीं पर भी आप देखेंगे तो आपको प्ले स्टोर शो नहीं हो रहा, तो ये प्ले स्टोर हाइड हो चुका है। ये देखें, यहाँ पे हमारा प्ले स्टोर नहीं है, और अगर हम सर्च भी मारते हैं प्ले स्टोर को ऊपर, यहाँ सर्च बॉक्स में हम सर्च मार के देखते हैं, ये देखो अनेबल टू गूगल प्ले, ये प्ले स्टोर, यहाँ प्ले स्टोर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, ठीक है, दिक्कत आ रही है। तो इस सिचुएशन में आपको जो है फ़ोन की सेटिंग में जाना है, पहले फ़ोन की सेटिंग के अंदर आ गए, आप स्लाइड करके नीचे आएंगे तो ऊपर से भी आपको फ़ोन की सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, दोनों तरफ से आप जो है फ़ोन की सेटिंग के अंदर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है, ऐप्स में जाना है, यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट पर जाएंगे, यहाँ पर आपको शो ऑल ऐप तो हो ही रखा है, आपको जो प्ले स्टोर की दिक्कत आ रही है, तो ये देखें यहाँ पे हमारा गूगल प्ले सर्विस जो है डिसेबल है, और प्ले स्टोर भी हमारा डिसेबल हो रखा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ से हम इसको अनेबल कर देंगे, बैक जाएंगे, फिर गूगल प्ले स्टोर को भी हम अनेबल कर देंगे, ठीक है। और अब हम बैक जाते हैं, और अब जो है हमारा जो गूगल प्ले स्टोर था, तो गूगल प्ले स्टोर यहाँ पे तो नहीं आया, तो कहाँ आया है यहाँ पे अभी शो, ये रहा, ये देखो यहाँ पे ये अभी रेड आइकन के साथ आया है, यहाँ से आप ओपन करें तो आपका प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, थैंक्स फॉर वॉचिंग।